खेतड़ी से बीजेपी के धर्मपाल गुज्जर जीते। 8,846 वोटों से जीते धर्मपाल गुज्जर। चार हार के बाद पांचवें चुनाव में मिली जीत। बसपा के मनोज घुमरिया को हराया चुनाव। कांग्रेस की मनीषा गुज्जर रही तीसरे स्थान पर। धर्मपाल ने कहा, खेतड़ी में विकास की अपार संभावनाएं। झुंझुनू के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर ने जीत दर्ज की है। धर्मपाल गुज्जर ने यह जीत 8,846 वोटों से की है। यह धर्मपाल गुज्जर का लगातार पांचवा चुनाव था। इससे पहले चार चुनाव में वे लगातार हार रहे थे, लेकिन इस पांचवें चुनाव में धर्मपाल ने जीत दर्ज की। धर्मपाल गुज्जर ने बसपा के मनोज घुमरिया को चुनाव हराया। वहीं कांग्रेस की मनीषा गुज्जर तीसरे नंबर पर रही। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुज्जर और भाजपा प्रत्याशी रिश्ते में चाचा भतीजी हैं। जीत के बाद धर्मपाल गुज्जर ने कहा कि खेतड़ी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पानी, सड़क, पर्यटन आदि क्षेत्रों में काफी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह खेतड़ी का सौभाग्य है कि इस बार प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसे में सत्ता का फायदा भी खेतड़ी के विकास को मिलेगा। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं खेतड़ी की पूरी जनता को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ इस जीत के लिए। और जो भी करेंगे पूरी पार्टी को विश्वास में लेके और सभी आमजन और सर्व समाज को विश्वास में लेके वो कार्य करेंगे जिससे खेतड़ी की उन्नति हो, विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, सभी व्यापारी सुरक्षित रहें। खेतड़ी में जो भी अच्छा बन पड़ेगा वो करेंगे हम। पूरा अरावलियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसमें टूरिज्म के भी बहुत ज़्यादा स्कोप हैं। HCL का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो शेखावाटी की लाइफ लाइन है और खेतड़ी की विशेष करके लाइफ लाइन है, उसको भी जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा अच्छा उसमें करेंगे। बहुत काम करने के लिए बहुत कुछ है HCL में भी, और स्वास्थ्य संबंधी काम भी बहुत है और खेतड़ी के रोडों संबंधी भी काम करने के लिए बहुत संभावना है, अपार संभावना है। काफ़ी 20 ईयर बिफोर की बात होगी, 20 साल पहले की बात होगी। इस बार हम सत्ता के साथ चलेंगे और निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगे। सब लोग सबको विश्वास में रखें।